राहुल पहले भारत फिर अमेरिका लगता है। राहुल जी को ट्रक राइड करना अच्छा लगता है। 29 मई 2023 से शिमला जाते समय मुरथल में पंजाब हरियाणा के ट्रक ड्राइवर के एक समूह से मुलाकात हुई, जहां एक ड्राइवर प्रेम राजपूत के अनुरोध पर मैं उसके साथ चंडीगढ़ तक एक ट्रक की सवारी में शामिल हुआ। यह 6 घंटे की मजेदार ट्रक यात्रा थी, जिसके दौरान ट्रक ड्राइवरों के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा। राहुल गांधी ने 13 जून 2023 तरह तरह की आवाजें सुनने के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हुए मैं हाल ही में वाशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर की अमेरिकन ट्रक यात्रा पर गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क के लिए एक ट्रक की सवारी की। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवरों के दैनिक जीवन पर वाहन चालक के साथ एक स्पष्ट बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में ट्रक ड्राइवर की सुविधा को ध्यान में रखकर ट्रक बनाए जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप कितना कमाते हैं, राहुल गांधी ने ड्राइवर से पूछा। इस पर ड्राइवर ने यह कहते हुए जवाब दिया कि वह भारत में जितना कमाता है उससे कई अधिक भुगतान करते हैं। यह हम ट्रक वालों की वजह से है कि निर्भताओं का काम होता है। उन्होंने कहा, ड्राइवर जलिंदर सिंह के साथ अपनी बातचीत के दौरान गांधी ने भारत में वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और राजनीति पर भी चर्चा की। दोनों ने सिद्धू मूसेवाला गाने 295 पर भी ठुमके लगाए। ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं को सुनने के लिए गांधी ने अमेरिका ट्रक यात्रा दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक की सवारी के कुछ दिनों के बाद हुई। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से के रूप में राहुल गांधी मई में दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए ट्रक चालकों में शामिल हुए। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से उस समय ट्रक में यात्रा कर रहे गांधी की तस्वीरें और वीडियो भी ट्वीट किए गए। पार्टी ने यात्रा के दौरान लिए गए एक वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 90 लाख ड्राइवर भारतीय सड़कों पर चलते हैं। उनकी अपनी समस्याएं हैं। राहुल जी ने उनकी अपनी बात सुनी है।